बारातियों से भरी स्कॉर्पियो व बस में टक्कर, 5 की मौत, 25 हुए जख्मी। कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के NH 84 पर कृतसागर गांव के पास स्कॉर्पियो और बारातियों से भरी बस आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना शनिवार शाम की है। इस दौरान दुर्घटना में स्कॉर्पियो व बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है तथा पास में ही सड़क पर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 2 दर्जन से अधिक लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की बात बताई जा रही है। घटनास्थल पर SDPO तथा SDM कुमार पंकज के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल राहत और बचाव कार्य में लगी है। घायलों को स्थानीय कृष्णा ब्रह्मा और धरारा के निजी अस्पतालों में प्राथमिक इलाज करवाया गया। सूत्रों का कहना है कि प्राथमिक इलाज के बाद वहां से 1.5 दर्जन लोगों को रेफर कर दिया गया है। स्कॉर्पियो BR44P5019 धरारा से बरात लेकर बिहिया जा रही थी। स्कॉर्पियो पर चिकित्सा पदाधिकारी का बोर्ड भी लगा था। दूसरी तरफ से तिवारी ट्रेवल्स की बस ब्रह्मपुर से बक्सर की तरफ जा रही थी। कृष्णसागर गांव के पास दोनों वाहनों के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। अभी तक जानकारी में तो स्कॉर्पियो में जितने लोग बैठे थे, स्कॉर्पियो में 8 लोग बैठे थे, सबका स्थिति गंभीर ही है। अभी 2 लोग का जानकारी है, जितने लोग स्कॉर्पियो में बैठे थे 2 लोग, एक बॉडी जब आया था यहाँ पे तो डेथ हो गया था और एक यहाँ इलाज के दौरान डेथ हुआ है। कैसे, क्या घटनाक्रम? कृष्णा धरहरा से ये लोग बारात लेके जा रहे थे भियाँ, लड़के की शादी थी, बारात भियाँ जा रहे थे। सारे घर के, जिनके घर शादी थी, घर के ही लोग थे। और कृष्णा ब्रह्म रोड पे नुआव के पास बस और स्कॉर्पियो में टक्कर हुआ और गंभीर भीषण हादसा हुआ है। इसमें काफ़ी लोगों को चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं और बहुत लोग डेथ भी हुए हैं। जब कुल कितने लोगों की मौत हुई है अभी तक मेरे जानकारी में? पूरे हादसे में अभी तक मेरे जानकारी में 2 लोग यहाँ, अभी BK ग्लोबल हॉस्पिटल से सूचना मिली है कि यहाँ से 2 लोग की डेथ हुई है, बाकी 2 लोग का सदर अस्पताल से सुनने में आ रहा है और 1 लोग स्पॉट डेथ किए थे घटनास्थल पर ही। तो घायलों में इस जो ये परिवार जो है, इनके परिवार से कुल 4 लोग, इनके परिवार से अभी तक 2 लोग डेथ हुए हैं जिनकी मृत्यु हुई है बारात में। यही स्कॉर्पियो, बाकी बस वाले लोगों की जानकारी नहीं है। हम लोग जो बारात वाले लोग हैं उनके जानने वाले हैं, बाकी लोगों की अभी जानकारी नहीं हुई है। क्या नाम आपका? मेरा सुप्रभात गुप्ता बिट्टू नाम हुआ। आपके यहाँ है कुछ लोगों की डेथ भी हो गई, क्या स्थिति है? बहुत ही भयानक सब स्थिति है अभी जो है ना। एक तो ब्रॉड डेड आया है, वो तो पहले से ही वहाँ ख़त्म था इमरजेंसी में। वो बाकी 5 एडमिशन्स हुए हैं यहाँ ICU में और सबको हेड इंजरी है। एक को हमने काफ़ी रिससिटेशन करके उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट पे रखा, बट फाइनली ही एक्सपायर्ड। और बाकी एक को TTU पे रखा हुआ है, उसको भी वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरा जो है उसका भी थाई और लेग फ्रैक्चर है, हेड इंजरी है, क्रिटिकल है। एक और है, उसको काफ़ी ज़्यादा खून की उल्टी हुई है और वो भी शॉक में गया है और हेड इंजरी है उसको, ही इज़ वेरी क्रिटिकल। तो हाँ, जो भी लोग हैं सारे, मतलब ऑल आर क्रिटिकल एंड वी आर गिविंग लाइफ सपोर्ट्स। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट से लेके सब कुछ। सर,
लाइफ से जो लोग आए हुए इनके साथ इन्होंने क्या बताया, कितने लोगों की वो ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास तो 6 लोग ही आए थे, पर कहीं पता चला कि बस और कहीं स्कॉर्पियो में कुछ कोलिजन हुआ और एक ही साथ बहुत सारे लोग घायल, कोई सदर में भी है शायद, इतना ही इन्फॉर्मेशन है।